हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लाने का एक जज्बा क्रिएट होता है फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी करते हुए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाइए आप सब्सक्राइब में। देखिए, 94% लोग मेरा वीडियो देखते हैं जिसमें से केवल 6% ही सब्सक्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपने आज के, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, कर्नाटका बैंक और यूको बैंक के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सब्सक्राइब तो बनता है यहाँ पर, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और फ्रेंड्स अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जिस बैंक की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो अभी मैं नाम नहीं दिखा रहा, अभी आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, देखने ही पड़ेंगे ये फंडामेंटल्स, क्योंकि दो बैंकें हैं, कर्नाटका बैंक और यूको बैंक। मैंने बैंक के नाम तो बता दिए फ्रेंड्स आपको। अब फंडामेंटल्स आपको इसलिए देखने पड़ेंगे फ्रेंड्स कि इन्वेस्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरे पीछे वीडियो आपने देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए मेरे बैंक के वाले वीडियो, कि मैं बैंक के लिए मना करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं ये पर्सनली इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं जाऊँगा तो किस बैंक में जाना चाहूँगा, फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि कौन सा बैंक वॉच लिस्ट में होना चाहिए आपके। तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, 31 दिसंबर, 31 मार्च, 30 जून, 31 मार्च और फिर 30 जून। ठीक है फ्रेंड्स, 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स का कंपैरिजन है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लास्ट के 5 क्वार्टर में बैंक परफॉर्मेंस कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अब यहाँ पर कि सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना, कंपनी की जो कि इनकम होती है वो इंटरेस्ट से ही होती है फ्रेंड्स। कैसे होती है कि कंपनी का आपने सुना होगा, जब भी बैंक किसी को लोन देती है तभी लोन देना ही बैंक के लिए सही इनकम होती है। आप उसमें जो सेविंग डिपॉजिट करते हो, आप उसमें जो एफडी करते हो, इससे बैंक बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है बैंक लोन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ समझना सिर्फ इतना है कि फिगर बढ़ रही है या फिगर कम हो रही है। अगर फिगर कम हो रही है तो समझिएगा नुकसान वाली बात है, खतरे की घंटी बजने लगी है। और अगर फिगर इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना है, मतलब हाँ अच्छा चल रहा है सब कुछ। टोटल इंटरेस्ट अर्न देखिए कितना, 162, और सारी फिगर फ्रेंड्स ये लाख में है। ठीक है, 1,62,155, तो लाख से मतलब मत रखिएगा, ये इंक्रीमेंट देखिएगा, केवल 1,62 हो गया, 1,63 हो गया, 1,61 हो गया, तो ये इंक्रीमेंट फिर डिक्रीज हुआ और ये बहुत डिक्रीज हो गया और ये फिर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब फिर से इनका रेवेन्यू इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई। ठीक है, अब टोटल इनकम इनकी देखिएगा, 2,02,000 से 2,07,000 काफी अच्छी हो गई, फिर 2,07,000 से 2,13,000 बहुत अच्छी हो गई, 2,13,000 से 179 बहुत बेकार हो गई, ये तो 179 से 175 ये भी इनकम इनकी काफी कम हो गई। ठीक है, और नीचे चलते हैं अब इनके पास, अब एक्सपेंडिचर देखते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा जो 30 जून वाला क्वार्टर है ये वाला, यहाँ से यहाँ पर इनका इनकम और इंटरेस्ट दोनों ही कम हुए थे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं इनके एक्सपेंडिचर पे ध्यान डालने के लिए, एक्सपेंडिचर देखिए कितना हुआ, 1,52,000 से 1,68,000 एक्सपेंडिचर बढ़ गए। ठीक है, इनकम भी बढ़ी थी यहीं पे, फिर उसके बाद में इनकम यहाँ पर कम हुई थी तो एक्सपेंडिचर भी इनके कम हो गए, और फिर से एक्सपेंडिचर इनके कम हो गए और ये एक्सपेंडिचर इनके बहुत कम हो गए, 1,40 से सीधा 1,34, और इस क्वार्टर में इनकी इनकम भी गिरी और एक्सपेंडिचर भी गिरा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि घर से कुछ नहीं ले गए, कि इन्होंने खर्चा भी कम करा और इनकम भी इनके पास कम हुई। अब चलिए सब कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद में, कि बैंक को टैक्स देने के बाद में इनके पास कितना प्रॉफिट आया, ये देखिए 12,000 से 2,700, 2,700 से 19,638, 19,638 से 3,136, और 3,136 से फिर से धमाकेदार रिजल्ट 10,608। अब आप देखिएगा कि इस क्वार्टर में क्या हुआ, इस बैंक में प्रॉफिट कितना गजब का आया। देखिए, जबकि इनकम कम हुई और सेम प्रोपोर्शनेट, सेम पैरेलली एक्सपेंडिचर भी इनका कम हो गया। ठीक है, लेकिन एक इम्पैक्ट आया, प्रॉफिट इनका बढ़ गया, प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो गया। ठीक है फ्रेंड, इनकम कम हुई, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट ये लोग बढ़ा के ले गए।
ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। और देखिए कितना छोटा सा बैंक, अभी मैं इसका शेयर प्राइस दिखाने वाला हूँ, चार्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब इसके चार्ट को समझने की कोशिश करो, हालांकि आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर पे बैंक का नाम, लेकिन फिर भी आप चार्ट को समझने की यहाँ कोशिश करो कि कमाना कैसे है प्रॉफिट। ये देखिए ये आया, ठीक है, फिर ये और गिर गया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये इंक्रीमेंट आया, ठीक। अब मान लेते हैं जिसने यहाँ पे खरीदा वो लॉस में होगा, बिल्कुल लॉस में होगा, लेकिन अगर आप चार्ट पढ़ सकते हैं तो उसका यहीं कहीं एग्जिट भी लग जाता, एग्जिट करना भी आना चाहिए। मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ फ्रेंड्स, शेयर में एंट्री लेने से पहले एग्जिट डोर पता होना जरूरी है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था इसका एक 54 पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका पाइवोट टेबल के हिसाब से इसका एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से इस शेयर ने बम्पर एक दिन में ये रिटर्न दिया, और इसके बाद में आप चाहते तो ये इसने क्या किया, ये एक आके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट आने करने के बाद में फिर से ये फ्रेंड्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ तो उसके प्रॉफिट में भी हुआ, कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए गिरा है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर से गिरा है, और इस बार 10,000 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, और ये देखिए जिस हिसाब से प्रॉफिट आया उसी हिसाब से ऊपर गया शेयर, ठीक है। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों 50-50 रखता है। अगर आप इस शेयर को यहाँ पर खरीदते 54 के हिसाब से, तो 67 नियर अबाउट 20% का प्रॉफिट आपको विद इन सितंबर में आपको मिल गया था, 9-10 दिन के अंदर, लेकिन आपको सही एंट्री पता होनी चाहिए। तो मैंने अब इस शेयर में क्या बताया, इस शेयर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने इस शेयर को क्यों चुना, कर्नाटका बैंक को क्यों चुना, केटीके बैंक को, कि देखिएगा ये शेयर आपको डिविडेंड भी देता है, ये बैंक का शेयर है फ्रेंड्स और डिविडेंड भी देता है, बिल्कुल सही बात है। आप कॉरपोरेट, आपके पास जिरोदा में है, कंसोल में जाके आप कॉरपोरेट एक्शंस को चेक कीजिए, तो क्या अगर मिलेगा आपको, डिविडेंड भी देता है। इस बार इस कंपनी ने, इस बैंक ने, कर्नाटका बैंक ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया है, ठीक फ्रेंड्स। आप सभी की स्क्रीन पर यूको बैंक आ चुका है, यूको बैंक पूरा वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फंडामेंटल्स। 31 दिसंबर से 31 मार्च, 30 सितंबर, और ये 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, सेम जैसे मैंने कर्नाटका बैंक में किया है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट सेम आपको देखना है फ्रेंड्स, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 3,77,000 से 3,74, फिर 3,61, फिर 3,60 और 3,56, ये फ्रेंड्स देखिएगा कि इंटरेस्ट अर्निंग जो है बहुत स्लाइट तरीके से इस क्वार्टर में कम हो गई, बहुत स्लाइटली तरीके से, मार्जिनली बिल्कुल कम हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या देखना है, देखते रहिएगा कि वहां जो प्रॉफिट थे कर्नाटका बैंक के, उसका शेयर प्राइस आपने देख रखा था फ्रेंड्स कितना था, 64 रुपए के आसपास, ठीक है, और कहाँ से चला था, 54 से 64 रुपए, ठीक है। इसका शेयर प्राइस मैं जब आपको दिखाऊंगा तो वो देखिएगा, कर्नाटका बैंक की बात हो गई, अब यूको बैंक चल रहा है यहाँ पर। इंटरेस्ट अर्निंग देखिए बहुत स्लाइटली, मतलब करीब करीब कितना, 56 और 460, 4,000 लाख का मुश्किल से कम हुआ है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टोटल इनकम देखिए 4,51,000, 4,51,000 सेम हुई, 4,32 ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही रही, 4,46 और फिर 4,53, मतलब 4,53,908 ये इनकी इनकम हो गई इस क्वार्टर में, इनकम इंक्रीज हुई है इनकी, ठीक है। अब इनके एक्सपेंडिचर देखते हैं कि क्या एक्सपेंडिचर भी पैरेलली इंक्रीज तो नहीं हो गए, ठीक है। तो इनके एक्सपेंडिचर चेक कीजिए आप, 3,30,000 से 3,29,000, 2,99,000, 3,13,000 और 3,25,000, हाँ इनका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, जितना इनका इनकम इंक्रीज हुआ उसी हिसाब से इनका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। अब इनके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, यूको बैंक के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सब कुछ टैक्स वगैरह देने के बाद में इनको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, ये नेगेटिव में था, 31 दिसंबर 2019 को नेगेटिव प्रॉफिट हुआ, काफी दुखद समाचार था ये। 1,678 से 3,010, क्या बम्पर तरीके से रिकवर हुआ कि आया रे आया गणपति बप्पा, मुबारक हो आप सभी को कि इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है। तो 3,010 से 3,544 लाख, ये सारी फिगर लाख में है, और 3,544 से 10,001
10,179 लाख। आप क्या फ्रेंड्स कंपैरिजन कर सकते हैं, कर्नाटका बैंक आपको याद है, उसका भी प्रॉफिट कितना था, 10,000 लाख के आसपास। ठीक है, यूको बैंक का भी प्रॉफिट कितना है इस क्वार्टर में, 10,000 लाख के आसपास। उनका भी कुछ 3,000 लाख के आसपास था, कर्नाटका बैंक का, यूको बैंक का भी इतना ही था। कंपैरिजन दोनों की बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है, दोनों को बैलेंस शीट मैंने क्यों लिया फ्रेंड्स, रीजन देखते जाइएगा कि प्रॉफिट दोनों का सेम है। हेलो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं चार्ट पर, किसके, यूको बैंक के चार्ट पर। मैंने सबसे पहले कर्नाटका बैंक के फंडामेंटल्स आपको दिखाए, फिर उसके बाद मैंने यूको बैंक के फंडामेंटल्स दिखाए, कर्नाटका बैंक का मैंने चार्ट दिखाया, अभी यूको बैंक का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के सामने। कितना रुपए है इसका शेयर प्राइस चल रहा है, 14 रुपए 20 पैसे। आपने दोनों कंपनियों के प्रॉफिट याद है, दोनों कंपनियों के प्रॉफिट 30 जून को कितने थे, 10,000 लाख के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 10,000 लाख के थे। उसके बाद में 30 जून के पहले चले 31 मार्च को भी 3,000 लाख के, दोनों बैंकों के थे प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद में शेयर प्राइस में इतना डिफरेंस कैसे है, एक शेयर प्राइस चल रहा है 64 रुपए केटीके बैंक का, इनका शेयर प्राइस चल रहा है 14 रुपए का। तो भाई प्रॉफिट सेम दे रही हैं कंपनियां, केटीके बैंक प्राइवेट बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है, यूको बैंक। ठीक है, तो मल्टी बैगर किससे निकल के आ सकता है फ्रेंड्स, दोनों ही चीजें सेम है, मल्टी बैगर कहाँ से निकल के आएगा, यूको बैंक से। उम्मीदें देख सकते हैं इस बैंक से, उम्मीदें हैं, और मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स 28 रुपए कब आ जाएगा, दिवाली तक आ जाएगा, कोई कोई नहीं कह सकता है। अगर ये आप यहाँ से कुछ इस बैंक में देख सकते हैं तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। फिर से फ्रेंड्स मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मल्टी बैगर के लिए एक अलग बनाइए, स्पेकुलेशन के लिए एक अलग डीमेट अकाउंट होना चाहिए, कि सारी जो गंद मचानी है उसी डीमेट अकाउंट में मचाएंगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग डीमेट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए कि ये देखिए काफी, देखिए शेयर 14 रुपए का है तो रिस्क तो है, लेकिन फ्रेंड्स रिस्क है तो ये देखिए रिटर्न भी है। 9 रुपए 50 पैसे का शेयर सीधे सीधे 14.5 रुपए, और फिर से ये अपर सर्किट लगने के बाद में अभी फिर से वहीं पहुंचने वाला है फ्रेंड्स, और मोस्ट प्रोबेबली 20 रुपए के टारगेट तो बहुत जल्दी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये मल्टी बैगर शेयर है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए, अपने व्यूज रखिए यहाँ पर, और आपके पोर्टफोलियो में कोई मल्टी बैगर शेयर हो उसको भी बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे बने रहिए। यूको बैंक और कर्नाटका बैंक की यहाँ पर चर्चा हुई, अगले बार फिर से हाजिर होंगे एक नई बैंक, नए म्यूचुअल फंड, और इस बार फ्रेंड्स मैं आपके लिए गिल्ड फंड लेके आ रहा हूँ। गिल्ड फंड अगला वीडियो होगा, उस गिल्ड फंड में क्या होगा कि वो जो गिल्ड फंड होता है फ्रेंड्स, मैं वहां पर आपको डेफिनेशन बताऊंगा, और कुछ 4-5 आपके लिए गिल्ड फंड भी लेकर आऊंगा। वो क्या होता है कि आपको एफडी से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पोर्टफोलियो में गिल्ड फंड की भी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए गिल्ड फंड की इम्पोर्टेंस, और है भी। तो फ्रेंड्स चलिए अगले वीडियो में उसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।